हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन सबरत राष्ट्र। ठंड का मौसम आ गया है, हैप्पी दिवाली आप सबको। और ठंड के मौसम के साथ और ये दिवाली के बाद जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है या अस्थमा है, उन लोगों को दिक्कतें बार बार होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बात करूंगा उन बच्चों एवं बड़ों के लिए भी जिन्हें बार बार सर्दी और खांसी के एपिसोड्स होते हैं। पहले हम कारण जानेंगे, लक्षण जानेंगे, इसके बाद हम इनकी रोकथाम उपचार के ऑप्शंस के विषय में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एवं एलर्जी कंसल्टेंट हूं। जबलपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूं और मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मैं फैकल्टी भी हूं। तो बात करते हैं बार बार सर्दी खांसी क्यों होता है। कई लोग बार बार सर्दी खांसी हो रहा होता है जब, तो अब उनको लोग उलाहना भी देने लगते हैं, क्या बार बार बीमार होते रहते हो या। और कई लोग इसको ऐसे लेते हैं कि मुझे बस बार बार कोल्ड हो जाता है। लेकिन ये जो कोल्ड है ना, दिखने में मामूली समस्या लगती है, लेकिन जिन लोगों को बार बार होता है उनकी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बुरा पड़ता है। इस रूप में लाइफ को अफेक्ट करता है कि जिनको बार बार सर्दी होती है, जैसे बच्चे हैं वो, यदि तो उनकी स्कूलिंग पर फर्क पड़ेगा। यदि जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी के साथ सांस की दिक्कत हो जाती है या निमोनिया जैसे एपिसोड्स, पेरेंट्स बोलते हैं कि निमोनिया इसको हो जाता है या बार बार हो जाता है, जबकि निमोनिया बार बार किसी बच्चे को नहीं होता, इस पर मैं बाद में आऊंगा। सांस की दिक्कत या घर घर आवाज होना या सीटी जैसी आवाज होना या खांसी रात में खासकर आना या आए दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने में मौसम बदलते ही साथ सर्दी खांसी के एपिसोड्स होना, इस तरह के यदि आप बच्चे हैं या बड़े हैं आपको एपिसोड होते हैं, तो आपको जो समस्या है उसे बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस या क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, आम भाषा में नाक की लंबे समय चलने वाली एलर्जी। तो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इसको बहुत लोग ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं। और बचपन में या यंग एज में यदि आप एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, तो आगे चलकर आपको साइनोसाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं या फिर अस्थमा हो सकता है। साइनोसाइटिस यदि हो जाता है तो हमें यहाँ दर्द होना, थकावट सी फीलिंग होना, आए दिन हमें इन्फेक्शन होना, लो ग्रेड फीवर होना, ये सब होता है साइनोसाइटिस यदि हमें होने लगे तो। साथ ही साथ में यदि हमें अस्थमा होने लगे तो अस्थमा होने पर हमें सांस में बीच बीच में दिक्कतें आना, खांसी के एपिसोड्स होना और चेस्टिक टाइटनेस की फीलिंग होना या आवाज आना, ये शुरू हो जाता है। तो यदि आपको या आपके बच्चे को इस तरह का होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं या बहुत छींकें आती हैं सुबह सुबह, खासकर उठ के 25-50-100 छींकें आती हैं कुछ लोगों को, ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो इनको एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस को आपको समुचित रूप से उपचार लेना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी ब्लड जांच की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कि ईओसिनोफिल या आईजी जो ब्लड जांचें होती है, ये बहुत जरूरी नहीं है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, ठीक है। तो कोई मेनली जो डायग्नोसिस होती है वो डॉक्टर जो बात करते हैं आपसे, जो सिम्टम्स पूछते हैं उससे डायग्नोसिस बनाते हैं। एग्जामिनेशन करता हूं मैं, लेकिन एग्जामिनेशन से ज्यादा जो आप मुझे आंसर करोगे उससे मुझे आपकी जो समस्या है वो क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, वो एग्जैक्टली पता चलता है, ठीक है। तो मेन है इसमें खर्च में, इस जांचों में अलग से कोई खर्च नहीं है। हाँ, कोई जांच करने की जरूरत है तो वो ज्यादा से ज्यादा एलर्जी टेस्टिंग की जा सकती है, खासकर स्किन प्रिक मेथड से करते हैं। मैं अपने क्लिनिक पर लगभग बहुत सारे पेशेंट्स और बच्चों का, 5 साल से ऊपर के बच्चों का हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, और एलर्जी टेस्टिंग से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस चीज से उस बच्चे को या बड़े को एलर्जी हो रही है। लेकिन एलर्जी टेस्टिंग का ये जो मेथड है, ये दर्द रहित होता है आजकल और मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट कहलाता है और सेफ है ये काफी। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और ब्लड जांच की या किसी भी एक्सरे वगैरह की यूजली जरूरत नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है। तो ये तो हुई जांच कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस का। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट पर और खान पान पर। तो पहले खान पान की बात कर लूं। आमतौर पर इस तरह के बच्चों को माएं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर देती हैं, फॉर एग्जांपल केले नहीं देंगे, अंगूर नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, दही नहीं खिलाएंगे, ये करना बंद कीजिए। मैंने एलर्जी टेस्ट करके बहुत सारे सैकड़ों बच्चों का और बड़ों का पाया कि खाने की चीजों से आमतौर पर इनको कोई समस्या नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो खाने से संबंधित आप रोकथाम किसी भी तरह की ना करें, खासकर यदि जब तक आपका एलर्जी टेस्ट नहीं हो गया। तो इससे ये होगा, यदि आप खाने में ये नहीं खिलाएंगे वो नहीं खिलाएंगे तो जरूरी विटामिन्स नहीं मिलेंगे बच्चे को। फॉर एग्जांपल केले में बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं,
जो अंगूर है संतरे में आपको पता है विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है, तो ये सब चीजें अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी बच्चे को। साथ ही साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसके बुरा प्रभाव पड़ेगा, मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस उसको ये लगेगा कि मेरे मुझे ही क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मुझे ये क्यों नहीं खाने दे रही है माँ। ठीक है, चावल नहीं खाने देंगे तो चावल में जो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन वो नहीं मिलेंगे इंसान को। तो इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि खान पान में रेस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए, एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा मोस्टली खाने की चीजों से प्रिसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स को छोड़कर जिनको हम एलर्जी टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। अब आते हैं बात की ट्रीटमेंट में क्या करना है। तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग ये जो ऑट्रिविन जैसे नेजल ड्रॉप है वो डाल रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप यदि इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो आपको राइनाइटिस आपका और बढ़ जाएगा, जिसे राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बोलते हैं। उससे आपकी नोज और भी ज्यादा ब्लॉक होने लगेगी और आपको समस्या होगी, है ना। तो ये इस तरह के ऑट्रिविन जैसे नेजल स्प्रे नहीं डालें। लेकिन 2 साल से ऊपर के बच्चों से लेके एडल्ट वयस्कों तक कुछ दूसरे तरह के नेजल स्प्रे होते हैं जो कि लो ग्रेड स्टेरॉइड स्प्रे होते हैं, वो लोकली स्प्रे किए जाते हैं और उनको स्प्रे करने का सही तरीका होता है। ये भी लोग गलत कर रहे होते हैं, गलत ड्यूरेशन तक से ले रहे होते हैं, गलत डोजिंग में ले रहे होते हैं और गलत तरीके से ले रहे होते हैं। इस वजह से इन नेजल स्प्रेस का सही असर देखने उन्हें नहीं मिलता है। तो जब आप मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही सब पे सिखाने में ज्यादा वक्त लगाता हूँ कि हमारा स्टाफ और हम कि सही तरीके से आप किस तरह से नेजल स्प्रे लें और कौन सा नेजल स्प्रे लें। कुछ नाम है जैसे कि अलग अलग, जैसे कि मोमेटासोन नेजल स्प्रे आता है, फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे आते हैं अलग अलग कंपनियों के, और इनकी डोजिंग होती है अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से और साथ ही साथ में एज उम्र के हिसाब से। तो उम्र को, क्योंकि आप जनरली यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं इस तरह से एडवाइस तो नहीं करना चाहूंगा कि आप मतलब जस्ट कोई भी यूट्यूब देख लें और कुछ भी मन से लेने लगे। लेने का सही तरीका नेजल स्प्रे का बहुत जरूरी है सीखना। मेरे पास राइट नाउ यहाँ बाजू में नहीं पड़ा, मैं शेक करेंगे पहले नेजल स्प्रे, बैठ जाएंगे और डायरेक्शन हमेशा आउटर कैंथस ऑफ आई, या आउटर कैंथस कहलाता है, इनर कैंथस ऑफ आई है। तो डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, मतलब निशाना आपका आउटर कैंथस की तरफ रहेगा। हल्का सा नोज के अंदर करेंगे और प्रेस कर देंगे एक बार, दूसरी फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दूसरी शेक करेंगे और दूसरी बार यहां पर कर लेंगे। नोज क्लीन होना चाहिए ऑब्वियसली, इसके पहले आप ये स्प्रे का सही लेने के पहले, मतलब नोज स्टफी ना हो। साथ ही साथ में एडल्ट्स में यूजली 2 डोज आता है, 2 डोज दोनों तरफ, और अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग उसमें कॉम्पोजिशन होते हैं, उसके हिसाब से डोजिंग तय की जाती है। साथ ही साथ में आपने नाम सुना होगा इन दवाओं का, मोंटेलुकास, टोलिवोसिट्रिजिन, मोंटेलुकास, फेक्सोफेनाडाइन, ये सब इन दवाओं का उपयोग भी किया जाता है और ये दवाएं आमतौर पर बेहद सुरक्षित हैं। ये दवाएं कभी कभी के लिए लोग यूज करते हैं जो कि जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा एलर्जिक राइनाइटिस में। ये दवाएं लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, खासकर क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के केसेस में, और डॉक्टर की निगरानी में लॉन्ग टर्म इनका यूज किया जा सकता है और ये काफी हद तक, बहुत हद तक सुरक्षित दवाएं हैं। बस डॉक्टर की निगरानी में आपको लेना है। ठीक है, इनहेलर्स को लेके बहुत लोग डर रहे होते हैं, लेकिन इनहेलर एक दवा देने का माध्यम मात्र है। इनहेलर बहुत तरह के आते हैं, बहुत तरह की अलग अलग दवाएं होती हैं इनहेलर में। तो जिन लोगों को अस्थमा है या जिन बच्चों को अस्थमा है, लोग सोचते हैं बच्चों को अस्थमा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अस्थमा होता है। और एलर्जिक राइनाइटिस जो है, परसेंटेज तो मैंने आपको बताया नहीं, परसेंटेज जो है लगभग 15-20% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है कम्युनिटी में, मतलब हर 5 में से 1 व्यक्ति को है, जो पॉल्यूशन इतना बढ़ते जा रहा है। और लगभग 10% लोगों को अस्थमा है और उससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सिटीज में। तो अस्थमा एक रेयर बीमारी नहीं है अब, और बहुत कॉमन है। और अच्छी बात यह है कि इसका बहुत अच्छा इलाज आने और बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध होने की वजह से अस्थमेटिक पेशेंट को घबराने की बात नहीं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल पूरी जिंदगी और बिल्कुल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं बिना किसी सिम्टम्स के। बस ये है कि आपको लॉन्ग टर्म दवाएं लेनी होंगी डॉक्टर की निगरानी में। डॉक्टर की निगरानी का अर्थ होता है जैसे मैं अपने पेशेंट्स को इनिशियली 1-2 महीने में दोबारा बुलाता हूँ, फिर 3-3 महीने में एक बार बुलाता हूँ, और फिर जब और ठीक हो जाते हैं तो फिर 6 महीने में हम एक बार मुलाकात करते हैं। तो इस तरह से टच पे रहना होता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए।
तो इनहेलर पर भी बात कर रहा था। तो इनहेलर्स को लेने का भी सही तरीका है, इनहेलर्स हमेशा स्पेसर डिवाइस के साथ लेना चाहिए, ना कि डायरेक्ट पफ के रूप में। कैप्सूल के रूप में जो रोटाहेलर वगैरह आते हैं वो लोग लेते हैं, लेकिन वो मेथड ठीक है, लेकिन बहुत लोग उसको ठीक से जितनी ताकत से सक करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि जो स्पेसर डिवाइस आती है उसके साथ आप इनहेलर लें। जब कभी आप किसी डॉक्टर के दिखाएंगे तो उनसे ये बात डिस्कस कर लें कि कौन सी डिवाइस मेरे बेस्ट है। वैसे तो डॉक्टर का खुद फर्ज है कि वो आपको ना सिर्फ डिवाइस सही दे बल्कि सिखाए भी, सिखाने में थोड़ा टाइम दे कि आपका आप सही ढंग से यूज कैसे करें, क्योंकि सिर्फ इनहेलर ले लेना एक तरीका नहीं होना चाहिए, उसकी सही डोजिंग सही तरीके से उसका ग्रहण करना, उसे ग्रहण करना बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। अधिकांश जो इनहेलर हैं वे सही डोजिंग में बिल्कुल साइड इफेक्ट रहित होते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी, और ना ही आदत डालते हैं। आदत डालने वाली बात पूर्णतः बकवास है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, ये एक अवैज्ञानिक धारणा है कि इनहेलर से आदत पड़ती है। लेकिन इनहेलर की जरूरत है कि नहीं आपको, ये डॉक्टर को तय करने दें। बहुत कम पेशेंट्स को इनहेलर की जरूरत होती है एलर्जिक राइनाइटिस या इवन ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में। माइल्ड ब्रोंकियल अस्थमा में इनहेलर रेगुलर लेने की जरूरत नहीं होती, माइल्ड इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे लक्षणों की पहचान कर सकते हैं, आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं यदि आप इग्नोर करें, जैसे साइनोसाइटिस, अस्थमा, आपको कैसे इसमें टेस्टिंग क्या उपलब्ध है। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एलर्जी टेस्ट की जरूरत है, स्किन प्रिक टेस्ट की, इसके अतिरिक्त किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है। और स्किन प्रिक टेस्ट भी लाइफ में एक ही बार करना है, आपको बार बार नहीं करवाना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली या बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, इवन दवाएं भी बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं है इस ट्रीटमेंट में, ठीक है, इस प्रॉब्लम में। तो नथिंग टू वरी। और खाने पीने में आपको मैं बोलूंगा सब कुछ खाएं। अंत में मैं ये कहूंगा कि हर एलर्जिक राइनाइटिस एवं अस्थमा पेशेंट्स को एक्सरसाइज का को जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज आपकी एलर्जीज की टेंडेंसीज को कम कर देता है। और एक बात, फ्लू वैक्सीन लगवा लेना चाहिए जिन लोगों को बार बार कोल्ड कॉफ होता है, तो फ्लू वैक्सीन वो साल में एक बार लगवा लें तो बेहतर होता है। अलग अलग ब्रांड के आते हैं फ्लू वैक्सीन, लगभग 1200 से 1800 रुपए के बीच के, एक शॉट आप साल में लगवा लीजिए या दो साल में एक बार लगवा लीजिए। जो 50 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, डायबिटिक हैं, उन लोगों को निमोनिया का भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, तो उससे भी कोल्ड कॉफ होने की जो संख्या है, एपिसोड्स हैं आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो वैक्सीन आपको मैंने बताए तो ये लगवा लीजिए। व्यायाम कीजिए, यस, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब भी अच्छे होते हैं। और गर्मियों के मौसम में स्विमिंग कर सकते हैं आप, वो भी आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और साथ में मैं कहूँगा कि ढेर सारा विटामिन डी युक्त भोजन, विटामिन डी की कमी से भी एलर्जीज होती हैं, तो विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट एक्सपोजर, साथ में मिल्क, एग प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन डी होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें कि आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं, और हमारे 70-80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। तो यदि आपको एलर्जी है तो कभी कभार मैं एलर्जी पेशेंट्स का अपना विटामिन डी लेवल करा लेता हूं, या फिर उनको डायरेक्टली विटामिन डी के सप्लीमेंटेशंस भी दे देता हूं। एक बात और महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं पहले 6 महीने में, उनको एलर्जी लाइफ लॉन्ग होने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स शिशु जब जन्म लेता है उसके बाद 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना, तो ये भी एक मैसेज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि मुझे सारी जानकारी एक ही वीडियो में इंक्लूड करनी थी, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा और बच्चों के अस्थमा, बच्चों के एलर्जी से संबंधित और बड़ों से भी, तो इसलिए इतना समय लेना बनता था। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली आप सबको। फीडबैक में लिखना, बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपसे कंसल्टेशन कैसे लिया जाए, तो मैं जबलपुर में हूँ, मेरा क्लिनिक भी यहाँ पर है। मैं किसी भी वीडियो में ये बात बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैंने मुहिम शुरू की थी ये जागरूकता के लिए की थी, लेकिन बहुत लोग ये पूछते हैं, तो मैं लिंक जो है अपना उसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, और ऑनलाइन के लिए आप कंसल्टेशन उस पर बुक कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं जबलपुर में हूँ, कभी मिलना चाहें तो यहाँ आकर मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।